हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेट बैंक से आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है तो सबके मन में ये क्वेश्चन होता है कि कैसे हम एजुकेशन लोन लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के कैसे हम सक्सेसफुली एक एजुकेशन लोन बैंक से ले सकते हैं। सर जी, स्टेट बैंक में तीन तरह का एजुकेशन लोन होता है, जिसमें पहला है ग्लोबल एडवांटेज एजुकेशन लोन, जो कि बाहर मतलब अब्रॉड में पढ़ने के लिए दिया जाता है और ये हाई वैल्यू लोन है, जैसे कि मिनिमम लोन अमाउंट है 20 लाख, जो हम किसी और वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो लोन है उसको कहते हैं SBI स्कॉलर लोन, जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को दिया जाता है, जैसे कि IIT, IIM, बहुत सारे और कुछ स्टूडेंट है, ये भी हम कोई सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। बट आज जो डिस्कस करने, जो पॉपुलर स्टेट बैंक का लोन है वो SBI एजुकेशन लोन, जो बाकी ये स्कॉलर लोन के जो एलिजिबल है उसको छोड़ के बाकी सब इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, वो इंडिया में पढ़ने के लिए एज वेल एज बाहर में पढ़ने के लिए। तो ये लोन लेने के लिए जो पहला चीज होता है एजुकेशन लोन में, कि आपको कोई एंट्रेंस पास करना पड़ता है। हाँ, मैनेजमेंट कोटा में भी दिया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसीड्योर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोटे मोटे तौर पर जो कोई भी एंट्रेंस पास करके कोई भी आप एजुकेशन में आप पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, आपको इंजीनियरिंग हो सकता है, MBA हो सकता है, आप पायलट हो सकते हैं, नर्सिंग, कोई भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे ये स्टेट बैंक का एजुकेशन लोन दिया जाता है। इस बारे में और एक चीज मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन आपका एजुकेशन लोन मिलना यू कैन से इज राइट, ऐसे कि पापा का अगर इनकम कम हो, फादर का इनकम कम हो, तो बैंक कैन नॉट रिफ्यूज अ एजुकेशन लोन। कुछ एक्सेप्शन होता है कि कैसे कि आपका सिविल में कोई डिफॉल्ट हो पापा का या आपका खुद का, तो और कुछ ऐसा कुछ इसे डॉक्यूमेंट में कुछ एरर हो, तब बैंक कैन रिफ्यूज, अदरवाइज बैंक को लोन देना है। अगर आप ठीक ठीक तरीके से एप्लीकेशन करेंगे तो आपको एजुकेशन लोन मिलना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होता है। पहला चीज, कितना लोन आपको मिल सकता है। इंडिया में पढ़ने के लिए 10 लाख तक लोन आपको मिल सकता है। आज बहुत सारे है जहां पर 20 लाख 30 लाख होता है, उतने में आपको लोन नहीं मिलेगा इंडिया में एजुकेशन लोन के लिए। ओनली इन इस स्कीम में, SBI एजुकेशन लोन स्कीम में, आपको 10 लाख तक की लोन आपको मिल सकता है, और अगर बाहर पढ़ने जाएंगे अब्रॉड पे तो अप टू 20 लाख आपको लोन मिल सकता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, तो पहले आगे इंस्टीट्यूट में भर्ती होने से पहले कि आपका मैक्सिमम लिमिट इज 10 लाख इन इंडिया, 20 लाख इन अब्रॉड। दूसरी चीज क्या है कि मार्जिन कितना है। मार्जिन क्या है कि इस लोन अमाउंट में, मतलब जितना भी आपका कोर्स अमाउंट है उसमें कितना आपको देना पड़ेगा और कितना बैंक देगा। आपको 4 लाख तक कोई भी मार्जिन नहीं है, मतलब पूरा 4 लाख ही स्टेट बैंक फाइनेंस करेगा। हाँ, अगर 4 लाख के ऊपर हुआ तो 5%, अगर इंडिया में पढ़ना है तो 5% आपको देना पड़ेगा, 95% बैंक फाइनेंस करेगा, और बाहर पढ़ना है इंडिया से बाहर तो 15% आपको देना है और बाकी 85% बैंक फाइनेंस करेगा। अब तीसरा चीज जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सिक्योरिटी। सबका मन में होता है कि क्या मुझे सिक्योरिटी देना पड़ेगा जिससे मुझे ये लोन मिले। इसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि अप टू 7.5 लाख, आई रिपीट 7.5 लाख से आपका पापा का पर्सनल गारंटी काफी है। इसमें कोई भी लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई भी अदर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, अगर 7.5 लाख के ऊपर हो तो कोई कोलैटरल सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा।
जैसे कि कोई हाउस हो सकता है, कोई लिक्विड ऐसे फिक्स डिपोजिट, LIC का सरेंडर वैल्यू, ये सब देना पड़ता था। मतलब अप टू 7.5 लाख आपका से पेरेंट का गारंटी काफी है आपका लोन लेने के लिए। हो गया आपका लोन अमाउंट, हो गया 10 लाख इंडिया में, बाहर 20 लाख। आपका मार्जिन हो गया अप टू 4 लाख, कोई मार्जिन नहीं, 4 लाख के ऊपर इंडिया में 5%, बाहर 15%। और टोटल सिक्योरिटी अप टू 7.5 लाख तक कुछ नहीं है, उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी देना है। ये क्लियर है। अब हम जाएंगे कि आप किस किस के ऊपर लोन से, बहुत सारे चीज होता है, जैसे कोर्स फ्री होता है, लाइब्रेरी फ्री होता है, बाहर के एक्सकर्शन के लिए होता है, बहुत सारे चीज होता है। तो कौन कौन सा चीज पे आप लोन ले सकते हैं? पहले बात तो मैं आपको बोल दूं कि आप ऑलमोस्ट जो भी एक्सपेंसेस है कॉलेज में, सबके ऊपर आप लोन से सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉलेज का जो फीस है, आपका लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, और अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं, इवन आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो सर्टेन लिमिट तक आप लोन ले सकते हैं। बैंक ऑल्सो क्या है, अगर अगर टू व्हीलर भी करना, अगर कोई ऐसा होता है कि कॉलेज से थोड़ा दूर रहते हो तो टू व्हीलर की जरूरत पड़ता है, उसमें भी अप टू 50,000 तक बैंक लोन देता है। और ये लैपटॉप खरीदने के लिए आपका जो लोन अमाउंट है उसका 20% तक आपको लोन दे सकता है बैंक। तो क्या हुआ कि आपका पढ़ने के लिए जो जो चीज की जरूरत है तो बैंक आपको लोन दे देगा। तो यू कैन फ्रीली यू कैन डू योर स्टडी एंड कैन रिपे योर लोन। अब रिपे योर लोन में एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ, कितने टाइम में आप रिपे करेंगे? तो आपको तो ये जानना पड़ेगा ना कि हम कितने दिन मुझे मिलेगा कि रिपेमेंट करने के लिए। इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोर्स से अंत होने तक कोई रिपेमेंट की कुछ नहीं है, आप कंप्लीट कीजिए, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इंटरेस्ट देंगे तो कुछ आपको इंटरेस्ट में छाड़ मिलेगा, 0.1% समथिंग, लेकिन कोर्स अंत होने की 1 साल बाद से आपका रिपेमेंट शुरू होता है। और ये रिपेमेंट आप 15 साल तक, अप टू 15 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कि मैं कोर्स से जो कि 1 साल के बाद 15 साल तक आप जो लोन लिया है उसका रिपेमेंट आप कर सकते हैं। तो इसमें ह्यूज अमाउंट, इसमें ईएमआई भी बहुत कम हो जाता है और आप ये आराम से रिपेमेंट कर पाएंगे। तो हम लोगों का अब बेसिक पता चल गया है कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑल क्या मार्जिन है, क्या मैक्सिमम लोन है। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन की ओर, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन लोन में। दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है कि आप ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर के पास अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है। ये नियरेस्ट ब्रांच बोल के, अगर ये नियरेस्ट मतलब ये है कि आपका इंस्टीट्यूट के पास जो ब्रांच है और आपका रेसिडेंस के पास जो ब्रांच है, ये दोनों में एक में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मतलब आप सोचिए कि आपका बंगाल में आपका घर है, आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब आप दिल्ली में कर सकते हैं, नहीं तो बंगाल में। अभी अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इसको हमको जानना पड़ेगा। लेट मेक इट सिंपल। पहला जो चीज है उसको कहते हैं KYC, मतलब हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका और आपका गार्जियन, स्पेशली योर फादर का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड जरूरी है। ये बात आप ख्याल रखेंगे कि स्टूडेंट का आधार एंड पैन होना कंपलसरी हो चुका है। आधार अभी तक होने वाला है, अभी में आधार, लेकिन पैन ऑलरेडी बिकम कंपलसरी। सो अगर आपके पास पैन नहीं है तो इमीडिएटली आप पैन बना लीजिए। हो गया आपका KYC, आधार पैन दोनों दोनों स्टूडेंट का एज वेल एज उसका पेरेंट का। दूसरा जो चीज़ है आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ, मतलब आपका HS का मार्कशीट, जो आप एंट्रेंस दिया है, जो भी ऑल इंडिया एंट्रेंस और स्टेट एंट्रेंस, उसका रैंकिंग का प्रूफ। ठीक है, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये जरूरत पड़ेगा। तीसरा जो चीज है वो है कि आपका पापा का इनकम का कुछ डॉक्यूमेंट। इसमें ये हो सकता है कि जो गांव में है उनको पास ज्यादा इनकम का प्रूफ नहीं रहता, तो आप एक पंचायत से एक सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। और बाकी जो जो सर्विस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जैसे जो सर्विस करते हैं उनके लिए उनका सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दे दीजिए, और जो बिजनेस करता है उनके लिए उनका बैलेंस शीट और टैक्स फाइल रिटर्न दे दीजिए। तो ये हो गया पहला चीज़, KYC हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड।
दूसरा चीज़ आपका एडुकेशन का प्रूफ, जैसे ECS का मार्कशीट एंड वो रैंकिंग का, एंट्रेंस का रैंकिंग का मार्कशीट। तीसरा है इनकम प्रूफ ऑफ योर पेरेंट, जिसमें अगर कुछ एग्रीकल्चर का कुछ नहीं करते हैं तो पंचायत से सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं जो एग्रीकल्चर का इनकम। अगर सर्विस करते हैं तो उनका सैलरी स्लिप फॉर्म 16 होगा, और अगर बिजनेस करते हैं तो उसका बैलेंस शीट और टैक्स फाइलिंग होगा। और लास्ट जो चीज़ है वो कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट जो आप भर्ती होना चाहते हैं ये ज़रूरत पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट के मतलब जैसे प्रॉस्पेक्टस और जो सेकेंड ईयर फी स्ट्रक्चर्स, कौन सा टाइम में क्या क्या फीस है, किस में क्या फीस है, ये फी स्ट्रक्चर, पहला जो आप एडमिशन ली है उसका एक रिसिप्ट, ये सब जो चीज़ है ये कॉलेज का एक सेट होता है, ये देना पड़ता है। ठीक है, आपका लोन एप्लीकेशन के ये सब डॉक्यूमेंट काफ़ी है, अप टू 7.5 लैक्स, इसमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ता। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, वोटर कार्ड आधार कार्ड दोनों का, पापा का IT रिटर्न नहीं तो पंचायत से सर्टिफिकेट, और आपका मार्कशीट ऑफ ECS एंड एंट्रेंस का स्कोर शीट, और स्कूल का सॉरी कॉलेज का आपका प्रॉस्पेक्टस, फी स्ट्रक्चर एंड जो आपने भर्ती हुआ है उसका रिसिप्ट, बस यही काफ़ी है आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए अप टू 7.5 लैक्स। उससे ज़्यादा हो तो आपको आपको जो मॉर्गेज देना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, जैसे कि आप फिक्स डिपोजिट सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो फिक्स डिपोजिट का कॉपी देना पड़ेगा। अगर कोई बिल्डिंग आपको मॉर्गेज रखना है तो उसका डीड, उसका रिकॉर्ड, ये सब चीज़ आपको बैंक में सबमिट करना है। सिर्फ इतना ही डॉक्यूमेंट में आपका एजुकेशन लोन हो ही जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट ब्रांच में आपका ब्रांच मैनेजर से आप बात कर सकते हैं, वहाँ आपको एप्लीकेशन दे देगा और उसमें आप फिलअप करके दे देंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दिया ऑनलाइन अप्लाई का, जिससे थ्रू से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करके ये लोन ले सकते हैं, और उसमें बैंक बाद में क्या होगा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा ये लोन के बारे में। ओके दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको एजुकेशन लोन लेने में हेल्प करे। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इमीडियटली रिप्लाई करूँगा उसमें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also share this video so it can be popularized and will help other student. Thank you very much. Jai Hind, and all the best for your future assignment. Thank you.